So, hello guys, welcome to Unacademy. This is my YouTube ritual. I'm Khushbu Chaturvedi. Every day I came at 6 PM. आपने भी आना है, notification आए and आए, and इसीलिए आपका ये ritual आपके सामने. सबसे पहले class में क्या किया जाता है, form किया जाता है. And if you like my content, आप मेरे प्लस के साथ में जुड़ना चाहते हैं अगर, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव, KHUSHBOOLIVE. आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई थी, आपकी क्लास आज होगी. तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी आज की क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ. तो हम लोगों ने इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड इसके बाद में हमने पढ़ा किसके बारे में, आपके फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. फंक्शंस को कंप्लीट करने के बाद में अभी हमारे पास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, या क्या उसके बारे में हमें जानना चाहिए, जरूरी होगा हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वो हम लोग आज के लेसन में पढ़ेंगे. बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहें तो पूरे के पूरे मेरे खुशबू लाइफ रेफरल कोड को यूज करके आपके 1 month, 3 month, 6 month एंड 12 month के पैकेजेस या पैकेज कोर्सेज को आप अलॉट कर सकते हो. इवन आप 24 months का भी कर सकते हो, अगर आपने लगता है कि आप अपनी जो तैयारी है, अपना जो डायरेक्शन है, वो सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं. और मैं आपको बता दूं कि आपका अगर 1 month का भी कोर्स होगा, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके टीचर्स पढ़ाते हैं या लाइव आपके आते हैं. तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम प्री के साथ साथ में मेंस के साथ साथ में आप बोलोगे प्री हुआ, मेंस हुआ, आपकी आंसर राइटिंग का जो सेशन होता है, प्लस आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपने सोशियोलॉजी लिया, आपने साइकोलॉजी लिया, आपने पब्लिक लिया, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस, आप बोलोगे पॉलिटिकल साइंस लिया आपने, या आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो अगर आपका वो 5 to 6 पैटर्न में आता होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, तो वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पे कवर कराया जाएगा. प्लस आपको मैं बता दूं कि इन सारी चीजों के साथ साथ में आपका इंटरव्यू जो होता है, वो इंटरव्यू भी कराया जाएगा. सो अगर आप क्या करते हो, आप यूज करते हो मेरा रेफरल कोड खुशबू 11 खुशबू लाइव, KHUSHBOOLIVE खुशबू लाइव विदाउट एनी स्पेस, तब आपने क्या मिलता है, ये 7000 का जो कोर्स है वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा. तो आपने क्या करना है, इसको रेफरल कोड को इस जगह में एंटर करना होगा. मैं फर्स्ट पेज आपको शो कर रही हूँ, फर्स्ट यू विल डू सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में आपके पास में बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, देन आप पेमेंट करेंगे, उसका कंफर्मेशन होगा. सो बिफोर डूइंग दीज थिंग्स आपने यहाँ पे मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव लिखना है, या किसी भी अन्य टीचर का जिसका मीडियम आपको समझ में आता है पढ़ाने का, देन आप उसको अप्लाई करोगे, उसके बाद में आपका जो 10% डिस्काउंट है वो आप अवेल कर लोगे. सो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी. देन अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊं, जैसे कि आज आपके जो लाइव हैं या लाइव कमेंट चैट है वो डिसेबल है, यहाँ पे लाइव चैट इनेबल नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, सीधे आपके कंटेंट में पहुंचूंगी. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, इवन मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, बट स्टिल इकोलॉजी का टर्म आपने पढ़ा, एनवायरनमेंट का टर्म पढ़ा आपने, आपने कंपोनेंट्स पढ़े, एनवायरनमेंट के लेवल्स पढ़े. देन अभी क्या है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, आपने बायोम्स के बारे में पढ़ा था. आज भी हम लोग बायोम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. उस दिन हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि नॉर्थ एंड साउथ का जो मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड होता है एडजाइनिंग द आइस बाउंड्स पोल्स, उनको हम बोलते हैं टुंड्रा. सो आज भी हम टुंड्रा के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, यही सारे आपके जीव आने वाले हैं, यही सब कुछ आने वाला है. बट देन मैंने कल भी आपका बनाया था कि फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो मैंने बताए हुए हैं. नेक्स्ट अगर आप स्टार्ट करते हो, उससे जुड़ते हो प्लस में, तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा. खैर अभी क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, क्या होता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे. लाइक अब बोलोगे द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीव होते हैं, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है, यानी कि आपका जो पर्यावरण होता है. ठीक है, पर्यावरण और जीवों के बीच का जो भी आपका मध्य का रिलेशन होता है एक लैंड एरिया में, यानी कि जमीन के स्तर में, वो क्या करता है, बनाता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या स्थलीय आपका पारिस्थितिकी. ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी बनाता है, इतना हमें समझ में आया. अब इस स्थलीय पारिस्थितिकी में आपके बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, आपके पारिस्थितिकी प्लेसेस आते हैं, लाइक आपका टुंड्रा आएगा, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम आएगा. अब टुंड्रा के बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि टुंड्रा भी आपका क्या होता है, दो तरीके का होता है. ठीक है, तो जब आप टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या पढ़ा था, आपका हमने
हमने देखा था कि टुंड्रा जो होता है, ये आपके जो पोल्स होते हैं ना, उन पोल्स का जो आइस बॉम्ब्स होते हैं वहां पे आपका टुंड्रा पाया जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बॉम्ब पोल्स, इसको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा बायोम। ठीक है, इसमें आपके रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, स्नोई ओल आता है, लेमिंग आता है, आर्कटिक हेयर आता है, टार्मिगन आता है, तो ये सारे के सारे आते हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। बट अभी मैं आपको बताऊं कि जो आपका टुंड्रा होता है, ये टुंड्रा भी आपका दो टाइप्स का होता है। लाइक ये आपका अल्पाइन होता है, एंड अल्पाइन के साथ साथ में टुंड्रा जो होता है, देखिएगा भाई इसको यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे, एंड आई एम नॉट गेटिंग कि क्यों इसको ऑफ करके रखा गया है, टर्न ऑफ करके रखा हुआ है। किड्स भी अगर एजुकेट होते हैं इस टॉपिक से, अवेयर होते हैं, तो दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। बट स्टिल देयर इज ओनली वन पर्सन वॉचिंग दिस कंटेंट। अभी मैं अगर टुंड्रा इको सिस्टम की बात करूं, तो ये जो टुंड्रा इको सिस्टम है आपका, मैंने बोला जैसे कि आपका ये दो तरीके का होता है। पहले तो आप क्या करो, आप टुंड्रा को भी समझ लो। टुंड्रा का मतलब होता है आपका बैरन लैंड। ठीक है, बैरन लैंड इसको आप बोल सकते हो। बैरन लैंड यानी कि नॉन फर्टाइल लैंड, यानी कि वो जगह जहाँ पे किसी भी तरीका का आप उपजा नहीं सकते हो किसी भी चीज को। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड आपका बैरन लैंड। ठीक, फर्स्ट थिंग। देन अब ये जो आपका बैरन लैंड होता है, ये आपका ऐसे एनवायरमेंट कंडीशन में पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, आपकी सीवियर होती है। तो टुंड्रा इकोसिस्टम इज अ बैरन लैंड, या टुंड्रा इज नोन एज द बैरन लैंड, where the environmental condition is very severe, कि आप इसको इतना या इस तरीके से बोल सकते हो। देन आपने बोला क्या कि ये जो टुंड्रा का आपका जो बैरन लैंड होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका आर्कटिक, ठीक है, और एक होता है आपका अल्पाइन। ठीक, तो आपने कहा है आर्कटिक एंड अल्पाइन, ये आपका दो तरीके का होता है। सो कमेंट्स आर टर्न ऑफ, मुझे बड़ा हो रहा है इरिटेशन, तो मैं गुड इवनिंग नहीं बोल पाई आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग है, और मे बी आपके जो रिएक्शंस होते हैं तो वो मुझे मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी सी इंट्रेक्टिव क्लास लगती है, बट स्टिल पढ़ाऊंगी मैं। सो टुंड्रा इकोसिस्टम बैरन लैंड है, जो बहुत ही सीवियर कंडीशन में क्लाइमेट की क्या होता है, जनरेट होता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका आर्कटिक एंड एक होता है आपका कैसा अल्पाइन। आर्कटिक, अब शायद अगर आप लोग रिएक्ट करते मेरे साथ में, तो मैं आपसे पूछती कि ये जो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा और आपके जो प्लेसेस है इकोसिस्टम होते हैं, उनमें से आर्कटिक कहाँ पे होता है, लाइक आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, अल्पाइन होता है वो कहाँ पे होगा, तो आप देख लेते हो कि आर्कटिक जो होता है ये आपका क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड रीजन जो होते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत सारे नॉर्मली आप पोल्स की बात करोगे ना, उन पोल्स में हाई एल्टीट्यूड रीजन में आपका आर्कटिक जो होता है वो पाया जाता है। फर्स्ट थिंग, आर्कटिक आपका पोल्स में ही होता है। अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे इसका जो स्कोप है थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली, बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अल्पाइन, तो ये आपके सारे के सारे लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड या जिनको आप बोलते हो अक्षांश, अक्षांशों के हाई एल्टीट्यूड जोन्स में आपका क्या होता है, अल्पाइन टुंड्रास पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी किसकी, आपके टुंड्रा इकोसिस्टम के जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना होता है, तो एग्जैक्टली हमारे वही होंगे, लाइक हमारे पास लेमिंग होगा, हमारे पास स्नोई ओल होगा, हमारे पास आपका आर्कटिक हेयर होगा, हमारे पास फॉक्स होगा। सो ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है फौना के, फ्लोरा नहीं बोलूंगी, तो फौना में आपकी टुंड्रा इकोसिस्टम में ये पाए जाते हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, रब करूं और थोड़ा सा आपको क्या कर दूं, बता दूं और भी चीजें, तो आप देख लेंगे यहाँ पे, देखिएगा भाई एग्जैक्टली सो इतना देखा। देन अगर मैं अल्पाइन के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने टुंड्रा के बारे में पढ़ लिया, आपने आर्कटिक टुंड्रा सिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, देन अगर मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट जिनको आप क्या बोलोगे, वन। और वनों में अगर आप जाओगे तो वहां पे मल्टीपल टाइप्स के आपके क्या आते हैं, वन आते हैं। लाइक आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, आपके टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, आपके टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल सीजनल रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड अगर आप इनकी बात करोगे तो कोनीफेरस को आप बोलोगे कि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कोनीफेरस होती हैं, लाइक कि ये उन ये वाले वन जो होते हैं आपके हाई एल्टीट्यूड जोन्स में होते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बात करोगे, आप अगर टुंड्रा में बात करोगे, आप अगर बात करते हो अल्पाइन में, आर्कटिक में, तो यहाँ पे लाइकेन्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, जो किसी भी तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका हाई एल्टीट्यूड रीजन पे ऑब्वियस है, और बट ऑब्वियस है कि जो सनराइज सन रेज होती है वो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी, या आप बोलोगे सदर्न एटीट्यूड से नीचे नहीं जा पाते, तो यहाँ पे तिरछी लाइंस पड़ती हैं, सनराइज सन रेज पड़ती हैं। तो
आप उनको नहीं देख पाओगे वहां पे, तो आपने देखना क्या है कि इधर आपकी लाइकेंस और मॉसेस होती हैं जो कम्प्लीटली आपकी बोलोगे कि आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। सो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है टू सर्वाइव देयर। बट अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करोगे तो वन है, वन में आपके मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होगी। और हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब भी होता है कि स्थल पे होता है, एक्वेटिक नहीं होता। लाइक आपका जमीन के नीचे आप नहीं जाओगे, ये आपके कहाँ पड़ेंगे, आपके टेरेस्ट्रियल एरियाज में ही पड़ेंगे। देन अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूँ, मैंने कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात करी, या उसको आप बोलते हो बोरियल फॉरेस्ट, ठीक। सो कोनीफेरस यानी कि जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों की आकृति होती है वो कोन के शेप की होती है। एंड जब आपका आइस क्या होता है, फॉल डाउन होता है फ्रॉम द एनवायरमेंट, या बोलोगे फ्रॉम द स्काई, तो इन पत्तियों के ऊपर, क्योंकि पत्तियां हैं, अगर उसके ऊपर ज्यादा देर तक बर्फ लगी रहेगी या बर्फ पड़ी रहेगी तो वो ऑब्वियसली डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाट। So, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सारा का सारा जो स्काई से आपका स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने के बाद में आपकी पत्नियां स्लिप करके आ जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बोल सकते हो क्रिसमस ट्री को। सो क्रिसमस ट्री जो होता है, इसके जो कोनीफोरस फॉरेस्ट होते हैं, आप अगर इंडिया में जाओगे, इंडिया में भी अगर आप जे एंड के में जाते हो, आप हिमाचल में जाते हो, मैं कहीं दूर नहीं लेके जा रही, आपको इंडिया में लेके जा रही हूँ, हिमाचल जाते हो, हिमाचल के साथ साथ में आप उत्तराखंड भी जाते हो, तो वो हाई अल्टीट्यूड रीजन जहाँ पे आपका स्नोफॉल है, जहाँ पे आपकी पत्तियां जो होती है वो कोनीफेरस शेप्ड की होती है, उनको आप बोलते हो कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो वन है आपका, बट ऑब्वियस है कि वहां पे जो प्लांट्स होंगे वो इस तरीके की इकोसिस्टम के साथ में सर्वाइव करना सीख गए होंगे। अगर मैं टेम्परेट डेसिडियस की फॉरेस्ट की बात करूं, तो जब भी आपका कभी पर्णपाती या आपका डेसिडियस आता है ना, तो आपने ये चीज को याद रखना है कि पर्णपाती या डेसिडियस यानी कि जिनकी पत्तियां गिरती हैं, तो ये जो रीजन होते हैं, ये रीजन होते हैं आपके जहाँ पे आपका मानसून आता है। आप सभी को पता होगा, आप इंडिया में रहते हो, कि एशिया में आपका मॉनसून आता है, बे ऑफ बंगाल से ये अराइज होता है, ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में उठता है। सो मॉनसून जब आपका उठता है, तो इस उठते हुए मॉनसून में आपका, उसके पहले ही आपका जो मौसम होता है वो पतझड़ का मौसम होता है, और आपके सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, तो आपकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो डेसिड्यूस मींस आपका पर्णपाती यानी कि पत्तियों को गिराने वाला फॉरेस्ट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूंगी किसकी, टेम्परेट की, तो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, देखिए दो चार चीजें होती है, होता है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण, एक होता है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण। अगर मैं टेम्परेट की बात करूंगी तो ये होता है आपका वो वाला एरिया जहां पे आपके लैटिट्यूड्स बेसिकली बोलोगे पोलर रीजन से, सब पोलर रीजन को आप बोल सकते हो टेम्परेट, जहाँ पे आपका क्या होता है ठंडी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली गर्मी के, और सूरज की जो किरणें पड़ती है वो तिरछी पड़ती है, तो दीज आर नोन एज टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ठीक। देन टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करूंगी, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो एरियाज में ठंडी भी अच्छी तरीके से होती है और गर्मी भी अच्छी तरीके से होती है। बट अल्टीमेटली अगर आप बोलोगे कि जो आपका वाटर लेवल है, वाटर की क्वांटिटी है, वो ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका तापमान को या पानी के तापमान को ठंडा और गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा होती है। सो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं, आप एमेजोन का नाम ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो सारे के सारे। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ओके आई कांट इवन आस्क। So, यहाँ पे बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल आई टीच। तो टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट रहता है, उसके साथ साथ में आप बात करोगे तो एवरग्रीन है, हमेशा हरा भरा रहता है, यानी कि यहाँ पे वर्षा की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, वर्षा वन कहलाते हैं। अमेजोन के जंगल जो हुए आपके वर्षा वन है, इवन आप बोलोगे कि आपका जो पूरा का पूरा जो आपका अमेजोन का रीजन है, वहां पे इतनी ज्यादा आपकी बारिश होती है कि वहां की जो लीव्स होती है बहुत ज्यादा ब्रॉडेड होती हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड होने की वजह से, इतनी ज्यादा ब्रॉड होने की वजह से वहां पे जो आपका नीचे का जो इकोसिस्टम होता है, या नीचे जो जितने भी लैंड में जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एनिमल्स, मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज का, कि अगर एक खेत में समथिंग मतलब खेत में हम क्या करते हैं, हम लोग घासों को, चीजों को, अनाज को उगाते हैं, बट अगर हम खेत के किनारे किनारे भी क्या करते हैं, आपके बड़े बड़े प्लांट्स या बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, तो वो एरिया जहाँ पे उन पेड़ों की शेड पड़ती है और नहीं मिलता उनको क्या, आपका सूरज का प्रकाश या सनरेज नहीं मिलती है, तो आपकी इन सनरेज के ना मिलने की वजह से उधर का या उधर के जो आपके प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो बोलते हैं कि खेतों में भी अगर आप पेड़ लगाइए तो कुछ ऐसे लगाइए जो बहुत ज्यादा घने ना,
हो। बट जब हम बात करते हैं एवरग्रीन रेड फॉरेस्ट की, तो बारिश की मात्रा अच्छी होती है, सूरज की किरणें अच्छी होती है, आपके इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, एंड इन सब कंडीशन की वजह से इनकी लीव्स इतनी ज्यादा ब्रॉड होती है कि वो नीचे का जो एरिया होता है उस एरिया में भी आपका सूरज की जो किरणें होती है उनको पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से वहां के जो नीचे के प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़ी सी कंडीशन या वो आपके कैसे हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं लाइक पिचर प्लांट। आप बात करोगे, आप अगर नागालैंड में जाते हैं, मेघालय में, इंडिया में जाते हैं, तो आपको मिल जाएंगे वहां पे जो आपके होते हैं नेपेंसिस के बारे में आपने सुना होगा, वो वहां पे मिल जाएंगे। देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है रेन फॉरेस्ट आपका जो रेनिंग होगी वो आपके इन्हीं एरियाज में होगी, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आप कहेंगे यहाँ पे आते हैं। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, वर्षा भी ज्यादा होती है, सीजनल फॉरेस्ट भी होते हैं, लाइक आपका सीजन सीजन में उनका क्या होता है डेवलपमेंट होते हैं, देन आपके सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं। सो आई होप कि अगर आपके कमेंट्स में यहाँ पे देख पाते हो सुन पाते हो उनको, तो मैं और भी अच्छी तरीके से इन चीजों को आपको स्पेसिफाई और क्लेरिफाई कर पाती। सो बिकॉज यहाँ पे ये सारी की सारी सिचुएशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको इस सेशन को जो आपका बचा हुआ सेशन उसको मैं कल के लास्ट सेशन के लिए रिमूव कर रही हूँ, और हम लोग कल इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। सो अभी क्लास को एंड करती हूँ, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपने कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमें चीजें समझ में आ रही है ना वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और एड कर्स हो सकते हो मेरे प्लस कोर्स से, जिसमें आपको यूज करना होगा मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइफ। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।